राजधानी दिल्ली में सर्दी का मौसम आते ही कई सामाजिक संस्था के लोग जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को दिल्ली के रोहिणी में डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक शाह मस्ताना महाराज के पावन अवतार दिवस का जश्न मनाया गया और इस दौरान डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने मजदूर और जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े भी वितरित किए। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए और सभी ने नाम चर्चा का भी लुत्फ उठाया। इस मौके पर श्रद्धालु द्वारा भजन कीर्तन कर माहौल को रूहानियत के रंग में रंग दिया गया। करीबन 500 परिवारों को संस्था द्वारा कंबल और गर्म कपड़े वितरित किए गए। साथ ही श्रद्धालु को 136 मानवता की भलाई के कार्य करने का संकल्प भी दिलाया गया। इस मौके पर श्रद्धालु ने बताया कि डेरा सच्चा सौदा द्वारा शुरू से ही मानवता की भलाई के लिए कार्य किए जाते रहे हैं और आज उसी कड़ी में उन सभी जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े वितरित किए गए हैं जो चाहे डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हों या फिर नहीं। सर सतनाम सिंह जी महाराज का जो दिसंबर महीने में जिन्होंने शरीर बदला था, ये मुर्शिद की याद में मनाया जाता है और ये पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमित राम रहीम सिंह इंसा जी की पावन शिक्षा पर चलते हुए ही मनाते हैं। इस दिन हम पूरे महीने ही चलता है ये प्रोग्राम। ये जो अति गरीब हैं उनको ये दिया जाता है, सर्दी का सामान, जाकेट है, कोट है, कंबल है, जूते हैं, ये सभी तरह के मतलब जो यूज होने वाले सामान हैं ये 500 परिवारों को आज दे रहे हैं और ये कंटिन्यू पूरे महीना चलेगा। और इसमें हमने आप देख ही रहे हो सभी सारे इकट्ठे करते हैं जो सस्त नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स है जो गुरुजी ने इसी काम के लिए बनाई गई है। तो बता दे कि डेरा सच्चा सौदा में महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, जो काम पुरुष करते हैं वो भी महिलाएं भी करती हैं। इसमें जो डेरा सच्चा सौदा का जो मोटिव है, जो उसका कार्य है, वो मेन है मानवता की सेवा करना। तो उसमें महिला पुरुष का तो कोई भी रोल है ही नहीं। हम भी यहाँ पे लोगों को, जरूरतमंदों को जो हमारे आसपास है, जिनका हमें लगता है कि सच में उन्हें ज़रूरत है कंबल की या जैकेट की, तो आज 500 परिवारों को हम भी कपड़े बांटने वाले हैं जिसमें 5 तरह के आइटम होंगे। तो इसमें महिला पुरुष का कोई मेन वो नहीं है, दोनों ही सेम काम करने वाले हैं। गौरतलब है कि संस्था के अनुयायी के मुताबिक डेरा सच्चा सौदा द्वारा शुरू से ही इस तरह के मानवता की भलाई के लिए कार्य किए जाते रहे हैं। ऐसे में संस्था द्वारा किया गया ये कार्य वाकई में सराहनीय है, लिहाजा ऐसे में जरूरी है कि इसी तरह अन्य सामाजिक संस्थाएं भी आगे आकर जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाएं। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।